Now next one, contents equals method of string class. Equals method के थ्रू किसी भी string को other string से compare करना possible था, but suppose that अगर आपके पास कोई भी object या किसी भी string objects को और string corresponding string buffer object से compare कराना, then इस particular case में comparison equals method से perform कराना possible नहीं, क्योंकि equals method के case में दोनों ही objects कैसे होना चाहिए, should be string type, but suppose that अगर आपके पास कोई भी string object अगर corresponding string buffer से compare करना, then आपके लिए best suitable method क्या है, content equals method, क्योंकि content equals method available किस क्लास में, string क्लास में, लेकिन इसका argument type क्या है, string buffer, फाइनली कॉल किसके थ्रू करोगे, string object के थ्रू, लेकिन comparison किससे हुआ, corresponding string buffer से, अगर इसका return type क्या है, boolean, इस फाइनली अगर दोनों ही केस में, अगर string और string buffer object दोनों में same contents available है, then इस method से return क्या हुआ, true otherwise false, तो फाइनली इस केस में two objects create किए s और sb, S के अंदर मैंने contents रन की ABC, लेकिन S किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग, सेम है SB किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग बफर, लेकिन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों में कंटेंट्स कैसे अवेलेबल है, एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स, इन इस केस में फर्स्ट केस में मैंने कंपैरिजन परफॉर्म किया बाय यूजिंग इक्वल्स, इक्वल्स के केस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट या करंट ऑब्जेक्ट किसका है, स्ट्रिंग क्लास का, लेकिन टारगेट ऑब्जेक्ट पास किया मैंने एज ए SB मींस स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर मींस जब भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इक्वल्स के थ्रू स्ट्रिंग बफर के थ्रू कंपेयर कराओगे, देन इस केस में अगर दोनों के अंदर सेम कंटेंट्स भी अवेलेबल है, तब भी इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि इस केस में कोई कंपैरिजन परफॉर्म ही नहीं हुआ, मींस इस पर्टिकुलर केस में रिटर्निंग क्या हो रहा है, इससे रिजल्ट एज फॉल्स, मींस इसके लिए बेस्ट सूटेबल मेथड क्या, कंटेंट इक्वल्स, बिकॉज कंटेंट इक्वल्स स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर कंपेयरिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, करंटली स्ट्रिंग की केस बात करें, एस के अंदर कंटेंट्स क्या है, एबीसी, और करेस्पॉन्डिंग एसबी के अंदर भी कंटेंट्स क्या है, ऑल्सो एबीसी, मीन्स दोनों के कंटेंट्स कैसे हैं, इक्वल्स कंटेंट्स, देन इस केस में रिटर्न किया हुआ ट्रू, अगर डिफरेंट कंटेंट्स फाउंड हुए देन रिजल्ट क्या था, फॉल्स, मीन्स फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू।